हेलो मतलब सके हेल्थ हम चुके सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 के कुछ लीक्स के बारे में। अब देखो मेरे GTA 6 के लीक्स के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं और व्यूज किसे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं एक और वीडियो ले आया हूँ। अब देखो यार GTA 6 के लीक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आज मतलब मुद्दा चल रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि एक सॉन्ग आया जिसका नाम है ब्लीडिंग लाइट, द वीकेंड की तरफ से एक सिंगर है जिनकी एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, और उसके अगर 56 सेकंड्स पे आगे तुम देखोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा GTA 6 ट्रेलर। अब मुझे नहीं पता यार ये ट्रेलर कहाँ से आया। अब देखो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि द वीकेंड ने जो है रॉकस्टार के साथ काम किया हो, और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि ये इसका ऑफिशियल म्यूज़िक बन गया हो, ठीक है ना, मतलब वीकेंड ने उनके साथ डील किया और वो उनका ऑफिशियल म्यूज़िक बन गया हो। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी ये है, क्योंकि जितने भी ये यहाँ पे बताए जा रहे थे, जो भी यहाँ पे सबटाइटल्स या कमेंट बताए जा रहे थे GTA 6 को लेकर, वो टिकटॉक के कमेंट थे। और अब मुझे नहीं पता टिकटॉक के कमेंट में इन्होंने किसी ने GTA 6 ट्रेलर क्यों लिखा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा मतलब किसी ने लिखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द वीकेंड ने रॉकस्टार के साथ डील की हो। अब देखो ऐसा क्यों लगता है कि रॉकस्टार ने मतलब द वीकेंड ने रॉकस्टार के साथ डील की है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले द वीकेंड ने अपने ट्विटर या इंस्टा पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने एक ट्रॉफी थी, उन्होंने ये दिखाया था, और उसके कुछ ही दिनों बाद जो है रॉकस्टार का एक नया पोस्टर मतलब एक लोगो पोस्टर आया था, वो भी उसी ट्रॉफी के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि द वीकेंड ने GTA मतलब रॉकस्टार के साथ काम किया हो और उसके तौर पर उन्हें वो ट्रॉफी मिली हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, मतलब कन्फर्म नहीं है ये बात, लेकिन ऐसा हो सकता है। एक और चीज़ ये निकल के आ रही है कि है ना कि मतलब द वीकेंड जो है मतलब वो जो गाना है उसमें, और अब देखो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ये GTA 6 का ट्रेलर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि उसका नहीं है, मतलब ये उसका नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि ये GTA 6 का ऑफिशियल म्यूज़िक सॉन्ग हो सकता है ना, और खुद गाना ही है सबसे पहली बात। तो अगर आप दिए हुए टाइम के हिसाब से जो है म्यूज़िक पर जाके देखोगे, मतलब जो मैं टाइम बता रहा हूँ ये उस पर जाके अगर आप देखोगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आप कह नहीं सकते भाई, कतई नहीं कह सकते कि ये GTA 6 का ऑफिशियल म्यूज़िक नहीं हो सकता भाई, खुद गाने में ये बताया गया है ना। अब देखो मैं खुद भी एकदम पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये उसी का सॉन्ग है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मतलब GTA 6 का ऑफिशियल म्यूज़िक सॉन्ग हो। यहाँ तक कि पहली बार भाई ऐसा हुआ है कि GTA के कैरेक्टर्स ने खुद अपनी राय भेजी है और रॉकस्टार का भी मैसेज आया है अपने व्यूवर्स की तरफ से, हाँ ऐसा पहली बार हुआ है। तो ऐसा यार मान के तो हम लोग चल ही सकते हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि द वीकेंड का जो ब्लीडिंग ब्लेंडिंग लाइट वाला जो सॉन्ग है वो GTA 6 का ऑफिशियल म्यूजिक सॉन्ग हो सकता है।